हेलो दोस्तों, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल टेक्नो धर्म में एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो जो इन्फिनिक्स के फ़ोन यूज़ कर रहे हैं दोस्तों उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इस वीडियो को मिस नहीं करें। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर आप इन्फिनिक्स का कोई सा भी ब्रांड, चाहे हॉट 10, हॉट 8, हॉट कोई सा भी फ़ोन, इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस क्यों ना हो, कोई सा इन्फिनिक्स का फ़ोन हो, तो आपके लिए नहीं पता होगा कि डाटा यूजेज जो नोटिफिकेशन यहाँ पर बन के आती है ऊपर कि आपका इतना डाटा यूज़ हो चुका है, वो नोटिफिकेशन आप कैसे लगाएंगे। जैसे आप MI, रियलमी वगैरह ऐसे फ़ोन होते हैं उसमें ये नोटिफिकेशन बार जो डाटा यूज वाला यहाँ पे लिख के आ जाता है कि इतनी MB आपकी यूज हो चुकी है और इतना आपका डाटा बचा है। वो नोटिफिकेशन आपके लिए इन्फिनिक्स फ़ोन में नहीं आती होगी। जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपके लिए लगा के दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपके लिए इस वीडियो में जानकारी सही मिले तो आप कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगे, इसमें जानकारी नहीं मिले सही से, तो वीडियो को अवश्य डिसलाइक करें। तो वीडियो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूं, इन्फिनिक्स का फ़ोन कोई सा भी हो, एक बार फिर बता देता हूं, उसमें आप नोटिफिकेशन डाटा यूज वाली आप लगा सकते हो। तो आपके लगाने के लिए क्या करना होगा, इन्फिनिक्स का फ़ोन आपके लिए फ़ोन में एक ऐप्स होगा, इसका नाम है फ़ोन मास्टर, ठीक है दोस्तों। अगर नहीं मिलता हो तो आप सर्च करके देख सकते हो, फ़ोन मास्टर ऐप। फ़ोन मास्टर ऐप जो है मैं आपके लिए दिखा देता हूँ, मेरे फ़ोन में है ये है, ठीक है दोस्तों। फ़ोन मास्टर एक बार फिर मैं आपके लिए बता देता हूँ सही से, फ़ोन मास्टर ये है ऐप्स, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपके लिए कुछ नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऐसा इंटरफेस आपने देख लिया होगा, फिर आपके लिए यहाँ पे ऐसे ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है दोस्तों, या फिर आपके लिए मिल गए होंगे। आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैं आपके लिए बता दूँ। फिर यहाँ पर डाटा मैनेजर वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके लिए यहाँ पर कुछ बड़ा इंटरफेस आपके लिए देखने को मिलेगा, ठीक है, आप देख चुके होंगे। यहाँ पे लिख के आ रहा है सेट डाटा प्लान, ठीक है दोस्तों, इस पर क्लिक कर देंगे। और ऊपर देख भी सकते हो कि 496 MB यूज़ हो चुकी है, लेकिन मैं आपके लिए ऊपर लगा के दिखाऊंगा। ऊपर लगाने के लिए आपके लिए इस पर क्लिक करना होगा, सेट डाटा प्लान। सेट डाटा प्लान पे क्लिक करने के बाद आपके लिए फिर क्या करना होगा मैं आपके लिए बताऊँगा। फिर आपके लिए दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, नीचे डाटा यूजेज नोटिफिकेशन बार, ठीक है दोस्तों। फिर आपके लिए डाटा यूजेज नोटिफिकेशन बार जो देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, इसे ऑन कर देंगे। इसे ऑन करने के बाद इसे डन कर देंगे। डन करने के बाद आपके लिए बैक आना है। बैक आने के बाद मैं आपके लिए ऊपर जाके दिखा देता हूँ कि आपका नोटिफिकेशन बार जो डाटा यूज वाला लग चुका है दोस्तों। आप स्क्रीन पर देख सकते हो 497 MB आपकी डेली यूज़ हो चुकी है, जो आज का डाटा है 497 MB यूज़ हो चुका है, ठीक है दोस्तों, आप इसे लगा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो पर।